सो हाय एवरीवन, एक बार फिर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो दोस्तों यूट्यूब चैनल से संबंधित है। जो भी हमारे नए यूट्यूबर हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो आज मैं बना करके लाया हूँ दोस्तों। काफ़ी सारे नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, काफ़ी सारा वीडियो बना दिया उन्होंने, लेकिन दोस्तों उनका वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए एक बार उनका सब्सक्राइबर बढ़ भी गया लेकिन फ्रेंड्स उनका वॉच टाइम बिल्कुल काउंट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों कुछ गलती कर रहे हैं। वो चैनल तो उन्होंने बना दिया है, मान लीजिए काफ़ी अच्छा चैनल भी बना दिया, वीडियो भी अपना अच्छा बना दिया, लेकिन वॉच टाइम प्लस नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कोई गलती है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स कि उनको क्या करना है, कौन सी ऐसी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, उससे उनका वॉच टाइम बहुत स्पीड में दोस्तों बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्लेलिस्ट के बारे में। दोस्तों प्लेलिस्ट बना करके किस तरीके से आप अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो है। दोस्तों वॉच टाइम बढ़ाने का एक वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, अभी दो दिन पहले बना। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर जाकर हमारा वो वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अपना एक महीने में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों। 100% प्रूफ के साथ मैं आपको उस वीडियो में देख सकते हैं आप दोस्तों। उस जो यूसी टर्बो लिंक का जो इस्तेमाल किया उस वीडियो में, उसकी लिंक भी आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो VPN की लिंक भी दे रखी है, यूसी टर्बो की भी दे रखी है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करिए। और उससे पहले दोस्तों ये सब करने से पहले आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, किस तरीके से करनी दोस्तों वो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो हमारे साथ, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से प्लेलिस्ट क्रिएट की जाती है और प्लेलिस्ट के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। नए यूट्यूबर्स क्या है, चैनल तो उन्होंने बना लेकिन उनको प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको प्लेलिस्ट का असली फ़ायदा दोस्तों नहीं पता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा आज प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताऊँगा प्लेलिस्ट बनाने से कितना सारा फ़ायदा है दोस्तों। और ये वीडियो जो मैंने बनाया था, इस वीडियो में भी प्लेलिस्ट का ही सारा यूज़ है दोस्तों, वो आप ये वीडियो भी देख करके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर दोस्तों और देखते हैं किस तरीके से प्लेलिस्ट बनाई जाती है, किस तरीके से उस ट्रिक को यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो फ्रेंड्स हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करके हमें यूट्यूब खोलना है फ्रेंड्स। यहाँ पर यूट्यूब खोलने के बाद में YT स्टूडियो में चले जाना है, वहाँ पर अपने चैनल पर चले जाएंगे। देख लीजिए अभी नेट स्लो चल रहा है तो साइट थोड़ी स्लो वर्क कर रही है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन का बटन जो सब्सक्राइब बटन के आगे दिया हुआ है उसे ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हेल्पफुल वीडियो अपने दोस्तों के लिए हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए यहाँ यूट्यूब ऑन कर लेंगे हम, यूट्यूब के नीचे YT स्टूडियो है, आप वहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। देख लीजिए इंटरनेट आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। देख लीजिए ओपन हो गया है, यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है यहाँ पर। देख लीजिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ये तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। अब मैं इसमें आपको बताऊँगा किस तरीके से प्लेलिस्ट आपको बनानी है। तो देख लीजिए दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस है यहाँ पर, इस पर हमको सिंपली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए इतनी सारी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है, देख लीजिए काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं इसी से अपना वॉच टाइम अभी बढ़ा रहा हूँ और अच्छा खासा मेरा वॉच टाइम काउंट हो जाता है फ्रेंड्स। देख लीजिए 7-8 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं और इसको एक साथ मैं प्ले कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ से आप प्ले करेंगे तो जितने 7 वीडियो है सातों साथ प्ले हो जाएंगे। यहाँ आपको पब्लिक रख देना, यहाँ आपने कब प्लेलिस्ट बनाई थी उसकी तारीख दिखेगी, यहाँ वीडियो काउंट दिखेगा कि प्लेलिस्ट में आपके कितने वीडियो यहाँ पर पड़े। ये पेन के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट एडिट हो जाएगी फ्रेंड्स। देख लीजिए इस तरीके से एडिट हो जाएगी, यहाँ पर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो कर भी सकते हैं। इसमें से कोई वीडियो को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे डिलीट करके हटा भी सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ डिस्क्रिप्शन पेन आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं प्लेलिस्ट के बारे में कि प्लेलिस्ट में आपने क्या बताया। ये ऊपर वाली पेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, यूट्यूब प्रमोशन लिखा हुआ है देख लीजिए मैंने प्लेलिस्ट पर, यहाँ पर आप कोई भी टाइटल डाल सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ आपको पब्लिश ही रखना है हमेशा, यहाँ से सफल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। ये 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से वीडियो ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स दे रखी हैं लेकिन इन सेटिंग्स से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको ऐड वीडियोस पर फर्स्ट वाले पर ही क्लिक करना है और वहाँ से आपको वीडियोस ऐड कर लेने फ्रेंड्स। जितने वीडियो आप इसमें ऐड करना चाहें उतना कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है फ्रेंड्स। ये मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी हैं, मैं इसी से अपना वॉच टाइम अभी फ़िलहाल बढ़ा रहा हूँ और मेरा अच्छा खासा वॉच टाइम इसमें काउंट हो जाता है दोस्तों। देख लीजिए आगे की सेटिंग मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा दोस्तों किस तरीके से आपको प्लेलिस्ट बनाने किस तरीके से वर्क करती। देख लीजिए ये न्यू प्लेलिस्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देख लीजिए न्यू प्लेलिस्ट, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का कुछ नाम दे देना, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मिक्स वीडियोज़, इस नाम से मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। बाद में आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं नाम को। और इसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है पब्लिक अनलिस्टेड, देख लीजिए प्राइवेट, तो यहाँ पर हमको पब्लिक ही रखना है। अगर यहाँ आप प्राइवेट कर देंगे तो उस किसी को नहीं दिखेगी। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट आपकी बनकर के तैयार, लेकिन यहाँ दिखा नहीं रही है तो हमें इसे रिफ्रेश कर लेना है ऊपर सिंपली जा कर के। देख लीजिए अभी वो प्लेलिस्ट हमने बनाई वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। वीडियो उसमें ऐड करने का दोस्तों बाद में ऑप्शन आएगा, देख लीजिए यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है।
देख लीजिए रिफ्रेश हो रहा है चैनल दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ये देख लीजिए आ गई प्ले लिस्ट, अभी इसमें एक भी वीडियो नहीं है, दिखा रहा है 00 वीडियोस। तो हम सिंपली पेन आइकन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से मैं आपको वीडियो ऐड करके दिखाऊंगा किस तरीके से वीडियो ऐड किया जाता है। देख लीजिए मिक्स वीडियो 0 वीडियोस पड़े, पेन आइकन पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पॉपअप अलग से पेज ओपन होगा यहाँ पर। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं प्लेलिस्ट के बारे में, किस बारे में आपने यहाँ बताया वो भी मैं आपको लिख करके बता दूंगा। देख लीजिए 3 डॉट पर क्लिक करके ऐड वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए नया पेज ओपन होगा। यहाँ आप वीडियो सर्च करके ला सकते हैं, लेकिन हमें इसे नहीं करना है। URL पर भी नहीं जाना, हमें तीसरे नंबर के ऑप्शन पर चले जाना, इस पर यहाँ पर हमें क्लिक करना है। आपके जितने भी वीडियोज़ आपने डाल रखे हैं सारे वीडियोज़ यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जितने वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करना है उसको सिंपली आप क्लिक करते जाइए। देख लीजिए एक क्लिक हो गया, अभी दूसरा करेंगे ये देख लीजिए दूसरा क्लिक हो गया, अब देख लीजिए तीसरा क्लिक करेंगे यहाँ पर सिंपली। इस तरीके से हम इसे क्लिक करते जाएंगे, देख लीजिए जितने भी वीडियो आपको रखना है उतना आप प्ले लिस्ट में रख सकते हैं, जितना क्लिक करेंगे उतना हो जाएगा। आगे आपको और रखना है तो आप और भी रख सकते हैं दोस्तों। प्ले लिस्ट से वॉच टाइम किस तरीके से बढ़ाना है इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हो, देख सकते हैं किस तरीके से वॉच टाइम बढ़ाया जाएगा दोस्तों प्ले लिस्ट के द्वारा। एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई हुई, आई बटन पर आप जाइए और वो वीडियो को देखिए फ्रेंड्स। देख लीजिए 3 वीडियो मेरे को फिलहाल रखना है, मैंने ऐड पर क्लिक करा कि 3 वीडियो इसमें ऐड हो गए हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए आप देख सकते हैं तीनों वीडियो इसमें ऐड हो गए। आप इसे जब चाहे जब डिलीट भी कर सकते हैं और जितनी मर्जी चाहे आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं। अब देख लीजिए मैंने जो इसका टाइटल दिया था उसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे, देख लीजिए वॉच टाइम काउंट लिखेंगे। मैंने वहाँ पर मिक्स वीडियोस लिख करके बना दी थी, लेकिन अभी मैं इसको वॉच टाइम काउंट करके और सेव कर दूंगा तो वॉच टाइम काउंट के नाम से ये सेव हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे, पेन आइकन पर क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि प्लेलिस्ट में आपने किस बारे में बताया हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन वीडियोज़ के जरिए आप किस तरीके से अपना वॉच टाइम आसानी से बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसमें आपको 5000 वर्ड्स मिल जाते हैं लिखने के लिए, वहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसमें जो भी आपने वीडियो बताया है दोस्तों प्लेलिस्ट में उसके बारे में आप ज़रूर लिख दीजिए, यह सही रहता है दोस्तों लिखना। देख लीजिए यहाँ लिखने के बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे सिंपली और ये प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, देख लीजिए जब हमने प्लेलिस्ट ओपन किया है तो आपको YT स्टूडियो से अलग एक पेज ओपन हुआ है, वहाँ पर प्लेलिस्ट ये ऑन हुई है। देख लीजिए इसको यहाँ सेव कर दिया हमने, ये प्लेलिस्ट बनकर के आपकी तैयार हो गई, 3 वीडियो ऐड हो गए। अब आप प्ले ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो एक साथ में प्ले होंगे। इससे क्या होगा, आप अपना मोबाइल में प्ले करके एक बाजू रख दीजिए, मोबाइल आपके वीडियो प्ले चलता रहेगा और वॉच टाइम काउंट होता रहेगा। देख लीजिए वो पेज को हमने बैक कर दिया, अब इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, अभी जो 0 दिखा रहा था वहाँ 3 वीडियो इसके अंदर दिखाने लग जाएंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स 3 वीडियो आपके प्लेलिस्ट में बनकर तैयार है, आपकी प्लेलिस्ट बनकर के तैयार हो गई है। अभी आप इसको प्ले करके साइड में कहीं पर भी छोड़ देंगे तो आपका वीडियो का वॉच टाइम काउंट होता रहेगा, आपको वीडियो बार बार प्ले नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यही प्लेलिस्ट का फ़ायदा, इससे वॉच टाइम काफ़ी काउंट हो जाता है और आपको बार बार फ़ोन उठाना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। और इससे क्या होता है, अगर प्लेलिस्ट के अंदर आपने जिस तरीके का बताया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से वॉच टाइम यहाँ पर काउंट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इससे क्या होता है प्लेलिस्ट में दोस्तों, आपने एक ही वीडियो के बारे में एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी दी हुई है तो उसके बारे में जितने वीडियो आपने बनाए वो सारे प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो बंदा क्या करता है कि अगर आपका एक वीडियो देखा तो आपका दूसरे वीडियो पर भी जाएगा, तीसरे वीडियो पर भी जाएगा, तो आपके वो सारे वीडियो देख लेगा फ्रेंड्स, उससे आपका वॉच टाइम काफ़ी काउंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये प्लेलिस्ट का फ़ायदा होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ प्लेलिस्ट से मैंने अपना काफ़ी सारा वॉच टाइम यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। देख लीजिए मैं आपको यहाँ पर एकदम प्रूफ करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको यकीन हो जाए। देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट है और इससे मैंने कितना सारा टाइम यहाँ पर रीच किया हुआ है, आप इस वीडियो में आसानी से देख पाएंगे फ्रेंड्स। देख लीजिए ये सारा जितना भी मेरा यहाँ प्लेलिस्ट का पूरा डेटा आपके सामने, देख लीजिए लास्ट 28 दिन में प्लेलिस्ट द्वारा इतना वॉच टाइम, देख लीजिए ये मेरी 8-10 जो भी प्लेलिस्ट बनी उसके द्वारा कितना सारा यहाँ काउंट हुआ हुआ है, यहाँ परसेंटेज में आप देख सकते हैं, आसानी से आप देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी प्लेलिस्ट बना लीजिए और अपना चैनल मोनेटाइज की तरफ आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही काम की। अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आपको प्लेलिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। प्लेलिस्ट से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी सारा वॉच टाइम काउंट होता है, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर ले जाकर दिखा दूँगा फ्रेंड्स। ये देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट का ये ट्रैफिक है, कितना सारा ट्रैफिक से यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट के द्वारा क्रिएट किया हुआ है दोस्तों। जितना ज़्यादा चैनल पर ट्रैफिक क्रिएट होगा उतना ज़्यादा आपके चैनल को फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए ये प्लेलिस्ट का मेरा ट्रैफिक, आप देख सकते हैं कितना सारा ट्रैफिक यहाँ पर मैंने
कैचअप किया हुआ है दोस्तों। देख लीजिए मेरी 8-10 जो भी प्लेलिस्ट हैं उनका परसेंटेज जहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कितने व्यूज़ आए हैं प्लेलिस्ट से मेरे, और कितना का देख लीजिए 585 घंटे मेरे काउंट हुए हैं प्लेलिस्ट के द्वारा सिर्फ दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप भी अपने वीडियो पर प्लेलिस्ट बना लीजिए, और जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रखी है वो प्लेलिस्ट का यूज आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से वीडियो में वॉच टाइम बढ़ाना, उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी मैं दे चुका हूँ दोस्तों, और ऊपर आई बटन में भी दे चुका हूँ दोस्तों, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। दोस्तों देखा आपने प्लेलिस्ट बनाने का कितना सारा फ़ायदा है। काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, चैनल बना देते हैं फ्रेंड्स और वीडियो डाल देते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, सब्सक्राइबर अगर एक बार बढ़ भी गए तो वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा। और दोस्तों प्लेलिस्ट के बारे में तो काफ़ी सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में प्लेलिस्ट के जरिए कितना सारा आपको, कितने जल्दी से आपका वॉच टाइम बढ़ता और कितना ज़रूरी है आपके वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बनाना। तो दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो अपने चैनल पर बना लीजिए और 8-10 प्लेलिस्ट बना लीजिए, और जिस तरीके से मैंने ऊपर आई लिंक पर वीडियो दिया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यूसी टर्बो का इस्तेमाल करके आप अपना वॉच टाइम काउंट करवा पाएंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।